शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि कश्मीर के पुलवामा से आ रही है, जहां पर एक कार में लगे आईईडी को डिफ्यूज करके सुरक्षा बलों ने धमाके की बड़ी साजिश को नाकाम किया है। सेना, पुलिस और सीआरपीएफ ने डिफ्यूज करके धमाके को तो रोक दिया, लेकिन कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। क्या फिर से पुलवामा में सुरक्षा बलों के खिलाफ साजिश रची जा रही थी? विस्फोट को लदी कार पर टू व्हीलर की नंबर प्लेट लगी थी। सवाल एक बार फिर यही उठ रहा है कि क्या पुलवामा पार्ट टू की तैयारी आतंकी संगठन बना रहे थे? फिलहाल तो धमाके की साजिश में सेंध लगा दी गई है, इसे नाकाम कर दिया गया है, लेकिन तय तक पहुंचना अब भी बाकी है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और वहां के जो सेना के जवान हैं, उन्होंने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। अशरफ वानी हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, क्या डिटेल्स मिल रही हैं, किस तरह की ये साजिश थी, कहां पर ये आईडी पाया गया है? निया, दरअसल ये सफेद रंग की एक सेंट्रो कार थी जिसपे जम्मू कश्मीर का ही नंबर लगा हुआ है। ये आज सुबह हिजबुल मुजाहिदीन के, जो पुलिस का कहना है कि उनके मिलिटेंट्स ने आरीहल गाँव में लाई, जो पुलवामा के पास पड़ता है। यहाँ से सेना और सुरक्षा बलों के काफिले चलते रहते हैं, उसी हाईवे पे इस गाड़ी को खड़ा कर दिया गया। लेकिन तुरंत खबर मिली पुलिस और सुरक्षा बलों को, वो तुरंत घटनास्थल पर आए। जो ही कार में ब्लास्ट होने वाला था, उससे ठीक पहले उसको डिफ्यूज किया गया, जिस ब्लास्ट में ये कार भी तबाह हो गई। इतना ताकत इस ब्लास्ट में था और इतनी शिद्दत उस ब्लास्ट की थी कि कई किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज सुनाई दी गई। जहां तक कि डिफ्यूज करते हुए भी कुछ मकानों के शीशे टूटे, और कहीं ना कहीं अब पुलिस और सुरक्षा बलों का यही मानना है कि उन्होंने एक बड़ी आतंकी साजिश जो है वो नाकाम कर दी है। यदि यहाँ से सेना का काफिला या सुरक्षा बलों का काफिला गुजरता, तब ये ब्लास्ट होता तो काफी क्षति होती, काफी ज्यादा नुकसान होता। तो फिलहाल सबसे बड़ी जो राहत की बात सुरक्षा बलों के लिए या पुलिस के लिए है, वो यही है कि समीप होते हुए उन्होंने इस आईडी को, जो इंप्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस इस कार में रखा गया था, उसको डिफ्यूज किया, उसको ब्लास्ट किया, जिसमें ये गाड़ी भी तबाह हो गई, कुछ घरों के शीशे भी टूटे, लेकिन किसी को जानी नुकसान नहीं पहुंचा। फिलहाल पुलिस और एंटी बम सुकार डिस्पोजल के जितने भी दस्ते हैं वो घटनास्थल पर हैं, और यहाँ पर अब ये पता लगा रहे हैं कि ये कार कहाँ से आई, किसने यहाँ पर रखी और इसके पीछे किसकी साजिश थी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कौन इस ब्लास्ट के पीछे थे। अशरफ, साथ ही ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से इस आईडी को डिफ्यूज किया गया, किस तरह की खुफिया जानकारी या फिर इनपुट्स यहाँ पर सेना के पास थे जिसके चलते ये कार्रवाई की गई, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि क्या किसी आतंकी संगठन का नाम इसमें सामने आ रहा है? निया, दरअसल यहाँ पर जो है जानकारी के अनुसार ही जो खुफिया तंत्र है सुरक्षा बलों के पास, खासतौर से पुलिस के पास, उनके पास ये खबर पहुंची कि इस तरह से साजिश रची जा रही है। एक गाड़ी को बारूद से लाद कर पुलवामा में एक हाईवे के पास लाया जा रहा है, तो उसी के बाद ऑपरेशन जो है सुरक्षा बलों ने शुरू किया और उस गाड़ी तक पहुंच पाए जिसमें ये विस्फोटक रखा गया था। कुछ ही समय पहले रात के बीच इस गाड़ी को इस जगह पर खड़ा कर दिया गया था जहां पर इसका ब्लास्ट हुआ। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि कहीं ना कहीं यहां पर दाद देनी पड़ेगी पुलिस की और सुरक्षा बलों की, कि उनके पास उस तरह की जानकारी समय होते हुए पहुंची जिसके बाद उन्होंने इस बम को या इस गाड़ी को में जो बारूद रखा गया था उसको डिफ्यूज कर दिया। वरना यदि थोड़ी सी देरी भी सुरक्षा कर्मियों की तरफ से होती तो काफी ज्यादा नुकसान होने की संभावनाएं थी। फिलहाल पुलिस ये मानकर चल रही है कि इसके पीछे हिजबुल मुजाहिदीन का हाथ है, क्योंकि जब से हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख को यहाँ पर मारा गया कश्मीर में, उसके बाद ही जो है कई सारे जो है हिजबुल मुजाहिदीन बदले की भावना से कई सारे हमले कर रहा है। कई सारी जगहों पर सुरक्षा बलों पर हमले हुए, पुलिस के दो अधिकारी हैं वो पुलवामा में मारे गए, दो बीएसएफ के अधिकारी गांदरबल में उस इनकाउंटर के बाद मारे गए। तो कहीं ना कहीं उसी के तहत पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस ब्लास्ट को भी देख रही हैं कि ये हिजबुल मुजाहिदीन रियाज नायकू की बदले की जो कोशिश हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से की जा रही है, उसी की ये एक कड़ी है और यही उनके पास फिलहाल जानकारी भी है। अब पुलिस के पास यहाँ पर सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि वो उन आतंकियों का पता लगाए जो इस बम को बनाने में और यहाँ तक पहुँचाने में जो है कामयाब रहे, और उनको और कोई आतंकी
वारदात करने से पहले रोका कैसे जाए और उनको गिरफ्तार कैसे किया जाए या उनको किस तरह से जो है इन तरह की साजिशों से रोका जाए। बने रहिए हमारे साथ, शुजा उल हक हमारे संवाददाता सब तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुजा, जिस तरीके से ये एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर कहा जाएगा, क्योंकि आईडी को अगर वक्त रहते डिफ्यूज नहीं किया जाता तो एक बड़े ब्लास्ट की यहाँ पर साजिश रची गई थी। आतंकी संगठन का नाम तो फिलहाल नहीं आया, लेकिन इसे बदले की कार्रवाई यहाँ पर अशरफ बता रहे थे। शुजा जी बिल्कुल, एक बहुत ही बड़ा जो ब्लास्ट है उसको यहाँ पे रोका गया है सुरक्षा बलों के द्वारा, और साफ जाहिर है कि एक स्पेसिफिक इनपुट था उसकी, उसके बाद ही ये पूरी कार्रवाई की गई। और इसमें अभी तक जो जांच हो रही है उसके हिसाब से पुलिस और बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज के सोर्सेज के हिसाब से ये जरूर अटकलें लगाई जा रही है कि ये शायद किसी बदले की कार्रवाई की भावना से किया गया हो। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि कार में बहुत सारा जो है एक्सप्लोसिव मटेरियल पाया गया है, और अगर ये कार कहीं और निकल जाती या इस ये हादसा हो जाता तो शायद बहुत ज्यादा जाने जा सकती थी। तो साफ तौर पे जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है उनके लिए, और पुलवामा टाइप अटैक जो है शायद रोका गया है इसके होने से पहले ही। तो एक साफ तौर पर इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि एक बहुत बड़ी साजिश रचाई जा रही थी जिसको होने से पहले ही रोक दिया गया है। साथ ही शुजा, जिस तरीके के इनपुट्स यहाँ पर सेना के पास थे उसके बाद इस तरह से आईडी को डिफ्यूज किया गया, एक तरीके से इसे पुलवामा पार्ट टू भी कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक बड़ी साजिश को यहाँ पर सेना ने नाकाम किया है, उनके लिए कामयाबी है, लेकिन जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उससे ये साफ होता है कि कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर आईडी ले जाया जा रहा था। कौन कौन से वो रास्ते थे जहां से इस कार को यहां तक लाया गया, इसे यहां पर प्लेस किया गया, उसके बाद इसकी जानकारी सेना को लगी और इस तरीके से आईडी को डिफ्यूज कर पाया गया। जी नेहा, देखिए सूत्रों के हिसाब से सुरक्षा बलों को पिछले 3-4 दिन से लगातार इस चीज के इनपुट्स आ रहे थे कि ऐसा एक हमला हो सकता है, कार ब्लास्ट हो सकता है, खासकर साउथ कश्मीर के इन इलाकों में। तो उसी वजह से उन्होंने नाके लगाए थे जगह जगह पे, सुरक्षा बल बिछाए हुए थे, और कल रात को करीब 11 बजे इस गाड़ी को इंटरसेप्ट किया है। और जैसे ही गाड़ी को इंटरसेप्ट किया तो इसके अंदर जो वाहन चालक था, जो मिलिटेंट बताया जा रहा है, वो थोड़ी सी फायरिंग के बाद वहां से भाग खड़ा हुआ। ठीक है शुजा, आपको यहाँ पर रोकेंगे। कुछ देर पहले हमने जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह जी से बात की, सुनिए उस बातचीत के कुछ अंश। पुलवामा जैसा बड़ा हमला रोका है जम्मू कश्मीर पुलिस ने, इस वक्त उनके डीजी दिलबाग सिंह हमारे साथ हैं। सर, इस पूरे मामले के बारे में हमें बताइए सर। काफी अरसे से हम लोग इस तरह की खबर महसूल कर रहे थे कि एक बड़ा कार ब्लास्ट जैसा हादसा करने की ताक में लश्करदौबा जैसे मोहम्मद है, इनको बार बार इनके पास हैंडलर इस तरह की हदायतें दे रहे थे। हम लोग जब भी ऐसी खबर आती थी तो जगह जगह पर अपनी जो सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट देते थे और जगह जगह पर चेकिंग करते थे। कल की रात बहुत ही क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पुलिस को मिली, पुलवामा पुलिस को, कि एक ऐसा कार जो पुलवामा में इस्तेमाल किया था, व्हाइट सेंट्रो कार जिसमें आईडी तैयार होकर के रखी हुई है, इसको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट किया जा रहा है। हमने देर रात से सब जगह पे सब सड़कों को कवर किया, सब रास्तों को कवर किया, और रात को 11-12 बजे के बीच में एक सेंट्रो कार मिली जिसको रुकने का इशारा किया गया, मगर ये कार रुकी नहीं। हमारे लोग क्योंकि आईडी की वजह से सड़क से थोड़ा फासले पर तैनात थे और बिल्कुल करीब उसके नहीं थे, जब इशारा किया नहीं रुकी, उन्होंने कुछ राउंड गाड़ी की तरफ फायर किए, मगर फिर भी गाड़ी चलती रही और कुछ फासले पर जाकर के गाड़ी को छोड़ दिया गया, अबंडन कर दिया गया। उसके बाद कार के जब करीब पहुंचे तो ड्राइवर तब तक अंधेरे में भाग चुका था, मगर गाड़ी के अंदर जब देखा गया तो उसमें बहुत बड़ा ड्रम एक भर करके एक्सप्लोजिव का लगा हुआ दिखाई दे रहा था, और भी इसमें कुछ अच्छी तरह का इतनी सख्ती है, इतनी तैनाती की गई है, उसके बावजूद एक्सप्लोजिव कहाँ से आ रहे हैं? इस तैनाती के बावजूद ही ये हादसा टला है और उसके बावजूद ही इसको पकड़ा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि ये जो चेकिंग पार्टी सिर्फ इसी तलाक है, चेकिंग पार्टी दिन को रात को 24 घंटे लगती है, मगर ये ऐसे रूट अख्तियार करते हैं जिनके ऊपर अक्सर
पार्टी की तैनाती नहीं होती। जैसे इसके लिए रूट इन्होंने इस्तेमाल किया था, खुशीपुरा राजपुरा का रूट कहते हैं, जो एक इंटीरियर सा एरिया है और उस एरिया से लेकर के कहीं हाईवे पे पहुंचना किसी लिंक रोड से कोई मुश्किल काम नहीं था, इसलिए हमने कल सारे रूटों कवर किए थे जिसके ऊपर इसकी पॉसिबल मूवमेंट हो सकती थी। कौन सा गुट इसके पीछे हो सकता है, पाकिस्तान से क्या इसके तार जुड़े जा चुके हैं? देखिए, इस तरह की जो भी कार्रवाइयां लश्कर तौबा और जैश ए मोहम्मद के जरिए से की जाती हैं और पाकिस्तान के तार जुड़े होना बिल्कुल इसमें जरूरी है, क्योंकि पहले भी जब जब इस तरह के हादसे हुए उसमें पाकिस्तान के तार हमेशा जुड़े होते हैं। क्या ये मामला अब एनआईए इन्वेस्टिगेट करेगी? मेरे ख्याल में अगर एनआईए करे तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें बड़ी कॉन्स्पिरेसी सब्सिक्वेंटली निकलती है और इसके नेटवर्किंग कनेक्शन आगे पीछे बहुत जगह पे जाते जुड़ते हैं। अगर एनआईए इस केस को लेगी तो अच्छी बात है। बहरहाल हम लोग इस वक्त जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन केस की शुरू कर चुके हैं। शुजा उल हक हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। शुजा, यहाँ पर डीजी हमें बता रहे थे कि जैश और लश्कर दोनों का हाथ हो सकता है और इस तरह की कामयाबी जो सेना को हासिल हुई है वो दरअसल इनपुट्स की वजह से हुई है। कार को ट्रेस किया गया, उसके बाद जब कार नहीं रुकी तो उसके बाद फौरन कार्रवाई की गई और इसी कार्रवाई के चलते आईईडी को डिफ्यूज किया जा सका। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि कहाँ से जुड़े हैं तार, कहां से इतनी मात्रा में इतनी संख्या में आईडी आ रहा है, ये बड़ी प्लानिंग का एक हिस्सा है, कहां से इसके तार जोड़े जा सकते हैं? शुजा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, देखिए नेहा, जैसे हमने अभी डीजीपी जम्मू कश्मीर को सुना तो साफ जाहिर है कि दो तीन चीजें इसमें बिल्कुल क्लियर हो रही है। एक तो नंबर एक चीज की एक बहुत बड़ी साजिश थी और इसको पिछले कुछ दिनों से लगातार रचा जा रहा था। इन्वेस्टिगेशन प्रिलिमिनरी जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुरू कर दी है और सूत्रों के हिसाब से सारे पहलुओं को देखा जा रहा है। कौन सा गुट इसके पीछे है, कौन सा मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन इसके पीछे है और उनकी क्या मंशा थी, वो सब चीजें जो है इस जांच में साफ की जाएंगी। लेकिन ये अपने आप में ही एक गंभीर चीज है कि डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस खुद कह रहे हैं कि ये एक इतनी बड़ी साजिश थी कि अगर एनआईए आके इसको जांच करे तो अच्छा होगा। तो एक बहुत बड़ा संकेत है इसमें कि इसके तार बहुत दूर दूर तक जुड़े हो सकते हैं, बॉर्डर के पार भी जुड़े हो सकते हैं और देश के अंदर भी जुड़े हो सकते हैं। तो एक बात इस चीज से बिल्कुल साफ तौर पे उसकी पुष्टि हो रही है कि ये बहुत बड़ी साजिश थी जिसके लोकल जो है चीजें तो साथ में थी ही, लेकिन इंटरनेशनल बातें लिंक्स भी हो सकती हैं। तो ये सब चीजें जांच का विषय रहेगी। लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा था कि जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह का खुद ये कहना कि एनआईए अगर इसका जांच करे तो अच्छा होगा, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा संकेत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शुजा, तमाम जानकारी के लिए आपका।